दोस्तों हिमगार्ड अपना गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लगाएंगे कटिंग। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है तो बोगनवेल की कटिंग आज लगाते हैं। जो नीचे वाली नोड है वहाँ थोड़ा सा इसको छिलने के बाद एलोवेरा जेल लगाएंगे। और एलोवेरा जेल का फ़ायदा ये रहता है, एक तो ये एंटी फंगल है, सेकेंड मॉइस्चर बना रहेगा और इससे ग्रो करने में आसानी रहेगी कटिंग। और कटिंग हमने तकरीबन 6 से 8 इंच बड़ी ली है ताकि इसमें जो नोड्स हों वो ज़्यादा हों, ब्रांचेस ज़्यादा हों, क्योंकि अगर छोटी कटिंग लेते हैं तो उसको ग्रो करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए हमने बड़ी कटिंग ली है। और इसके साथ साथ बनाना पील्स भी लिए हैं। बनाना पील्स के अंदर इस कटिंग का जो लोअर पार्ट है हमने रखा है, कुछ पीसेस हमने डायरेक्टली इसके एलोवेरा के जेल में ही सेट कर दिए हैं। अब कटिंग हमारे पास रेडी है। 8 से 12 इंच लंबी कटिंग हमने ली है और 8 इंच के गमले में हम इसको लगाएंगे। और हमने जो मीडिया यूज़ किया है, क्योंकि सबसे बढ़िया है अगर आप यूज़ करना चाहते हो कटिंग के लिए, तो वो है सैंड, रेता, क्योंकि रेता में जो रूट्स हैं बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, जल्दी पैदा होते हैं, डेवलप होते हैं, इसीलिए हमने जो सैंड यूज़ की। और सैंड को हमने अच्छी तरह से भिगोया भी है ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे। और तकरीबन हमने 20 कटिंग हम लगाई है इसमें अच्छी तरह से। वो इसको मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए इसके अंदर एक हम पॉलीथीन का भी बैग इसको यूज़ करेंगे, पॉलीथीन के बैग को, ताकि ये अच्छी तरह से ऊपर से कवर हो जाए। और फिर अपडेट करेंगे तकरीबन 20 से 25 दिन के बाद, जब इसको नए पत्ते आ जाएंगे, ग्रो करेगी। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, न्यू अपडेट के साथ फिर हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच।